टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स एकेडमी। सो आई होप आप सब फिट हो गए अपने अपने घरों पे। और हम लोग कर रहे थे फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, जो कि चैप्टर 3 है। तो चैप्टर 3 का नाम है वैसे प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइज, और हम लोग कर रहे थे फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। हम लोगों ने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग देख लिया, उसको समझा, स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेशन देख लिया। अब आता है लास्ट फॉर्म, जो कि है थर्ड नंबर, गवर्नमेंट कंपनी। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो नंबर 20, जो कि है चैप्टर 3 का गवर्नमेंट कंपनी, फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। सो गवर्नमेंट कंपनी क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि क्या है गवर्नमेंट। तो नाम से पता चल रहा है कि गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट का रोल ज्यादा होगा, यस और नो? तो एक बार देखते हैं क्या है। ए गवर्नमेंट कंपनी इज एस्टैब्लिश्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। ये किसके तहत एस्टैब्लिश हो रही है? गवर्नमेंट कंपनी एस्टैब्लिश अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। ये भी आप लिख सकते हो, और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ मींस इसके पहले कौन सा था, 1956 कंपनीज एक्ट 1956 था। तो ए गवर्नमेंट कंपनी इज एस्टैब्लिश्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। यहां तक क्लियर है? अब देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ए गवर्नमेंट कंपनी मींस एनी कंपनी इन व्हिच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और पार्टली बाय सेंट्रल एंड पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट। अब ये क्या है, अब इसको समझना होगा। ये लिखा है कि गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जिसकी पेड अप कैपिटल मोर देन 51% होती है, या तो 51% होती है या मोर देन 51% होती है। और ये कौन होल्ड करता है, सेंट्रल या तो स्टेट गवर्नमेंट, या फिर दोनों पार्शियली मिलके हेल्ड करते हैं। मान लो ये कंपनी है, फिर ये आपका 51% है, ऐसे मैं बस बना रहा हूं, ये 51% है, 51% ये चीज ऐसे नहीं होगा। मान लो ये आपकी कंपनी है, ये जो वाला जो पोर्शन है 51%, ये है 51%। तो गवर्नमेंट कंपनी कैसे होगा, कैसे बनेगी, जब उसका पेड अप कैपिटल मोर देन 51%, जो कि होल्ड करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, या तो स्टेट गवर्नमेंट या फिर पार्शियल। यहां पे लिखा हुआ है 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल हेल्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और पार्टली बाय सेंट्रल एंड पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट। थोड़ा सेंट्रल, कुछ परसेंटेज सेंट्रल और कुछ परसेंटेज स्टेट गवर्नमेंट। सो 51% मोर देन 51, लेस देन नहीं होना चाहिए, मोर देन। अब ये 51 है तो ये 71 भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन 51 है तो 50 नहीं हो सकता, 49 नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। 51 है, 52 हो सकता है, 71 हो सकता है, 99 हो सकता है, 100 हो सकता है, पर 51 से लेस नहीं होगा, वही कहलाता है गवर्नमेंट कंपनी। सो गाइस एक बार और देखते हैं, ए गवर्नमेंट कंपनी इज एस्टैब्लिश्ड अंडर कंपनी एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस लॉ व्हिच इज 1956 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ए गवर्नमेंट कंपनी मींस एनी कंपनी इन व्हिच not less than 51% of the paid up capital is held by central or state government or partly by central or partly by state government. So yahan tak clear hai number? Fir dekhiye, a government company may perform as a private or public limited company. A government company, us logo ko lagta hai ki government company matlab sirf public limited company hi hogi, aisa nahi hai, wo private limited company ki tarah bhi perform kar sakti hai और पब्लिक लिमिटेड कंपनी की तरह भी परफॉर्म कर सकती है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये तो बहुत ही आसान है। गवर्नमेंट कंपनी मतलब क्या, मोर देन 51% शेयर कौन होल्ड करेगा, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, या तो पार्शियली, दोनों, पार्टली स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों, बोथ। सो मोर देन 51%, इतना ही चीज याद रखना है आपको, यही एक पॉइंट है जो मेन पॉइंट है, 51% शेयर कौन होल्ड कर रहा है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, बस। एक और उसके बाद, एक गवर्नमेंट कंपनी में परफॉर्म एज ए प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी दोनों ही तरह परफॉर्म कर सकती है। फिर
द शेयर ऑफ द कंपनी आर परचेज इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। ये और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शेयर किसके नाम पे खरीदोगे, किसके नाम पे, किसी के नाम पे तो खरीदना पड़ेगा ना शेयर, कि 51% से ज्यादा हो जाए, 51% से ज्यादा शेयर खरीदना है, कम तो 51% या तो 51% ज्यादा, तो किसके नाम पे खरीदा जाएगा, तो ये किसके नाम पे खरीदा जाएगा, हमारे प्रेसिडेंट के नाम पे खरीदा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सेल बेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ये हमारे एग्जाम्पल है गवर्नमेंट कंपनी के। सो आई होप आपको ये उतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं फीचर्स, फीचर नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स, एक ही चीज है फीचर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। सो फर्स्ट वन इज इनकॉर्पोरेशन, द गवर्नमेंट कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस लॉ व्हिच इज 1956 कंपनीज एक्ट 1956। तो इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है, द गवर्नमेंट कंपनी इज रजिस्टर्ड, किस कहां रजिस्टर्ड होता है, अंडर कंपनीज एक्ट 2013। सेपरेट लीगल एंटिटी, इट हैज अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से सेपरेट है, जैसे ही एक एक्ट के अंदर ये क्या होता है रजिस्टर्ड हो जाता है ना, उसके बाद ये सेपरेट लीगल एंटिटी बन ही जाता है। सो ये क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, गवर्नमेंट अलग है, ये बॉडी अलग अलग हो जाती है, ठीक है। फिर मैनेजमेंट, इट इज मैनेज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कौन मैनेज करता है, हु इज रिस्पांसिबल फॉर ऑल द मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्हिच इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। सो यहां पे देखिए गवर्नमेंट कंपनी है तो समझिए गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगा, जो भी मेजर डिसीजन होगा गवर्नमेंट ही लेगी, गवर्नमेंट का पेड अप कैपिटल 51% से ज्यादा है। सो इट्स वेरी सिंपल, सो आप लोग कॉम्प्लेक्स नहीं बनाइए चीजों। फाइनेंस, एट लीस्ट 51% ऑफ द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज कंट्रीब्यूटेड बाय द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, बस सिंपल है। देखिए पहले तो आता है डेफिनेशन, फिर आता है फीचर्स, उसका मेरिट्स डिमेरिट्स, तो फीचर्स पूरा चीज आप पढ़ेंगे ना तो बहुत ज्यादा जान जाएंगे कंपनी के बारे में, कोई भी टॉपिक के बारे में। तो फीचर्स, तो फीचर क्या है, इसमें बुराइयां भी है अच्छाइयां भी है, फीचर्स में तो सब चीज लिखा रहता है ना, उसके बारे में जो भी टॉपिक है उसके बारे में सारा सारी बात है, कहां लिखा रहता है, फीचर्स में। फिर मेरिट्स में हम लोग देखते हैं कुछ अच्छी चीजें, डीमेरिट्स में देखते हैं कुछ बुरी बात है। सो फीचर्स पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, कोई भी चीज का फीचर्स के बारे में पता, फीचर्स पढ़ने से ही पता चलता है कि मान लो प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट कैसा है, तो उसके बारे में कैसे पता चलेगा, फीचर्स उसके फीचर्स के बारे में, जब मोबाइल ही लेते हो आप तो मोबाइल के फीचर्स देखो क्या क्या है, तो 10-20 फीचर्स आ जाएंगे जानने मोबाइल के बारे में, तो वही चीज होता है। तो आप लोग पहले डेफिनेशन देखो थोड़ा पता चलेगा, फिर उसके फीचर्स देखो और पता चलेगा, तो धीरे धीरे करके आपको 100% आइडिया हो जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा कि ऑलवेज बी सिंपल, सिंपल तरीके से आंसर लिखो, प्रेजेंट करो, आप अच्छे से पॉइंट लिखो, उसके अंदर आप अपना अगर कंस्ट्रक्ट कर सकते हो अपना आंसर तो बहुत बढ़िया, तो उससे बढ़िया तो कुछ भी नहीं है, तो आप अपने कंस्ट्रक्ट करो आंसर जो बोला गया है उस हिसाब से। अब मेरिट्स बोला गया है तो आपको अच्छी बातें लिखनी है, डीमेरिट्स बोला गया है तो आपको निगेटिव बातें लिखनी है, बस। सो चलिए कंटिन्यू करते हैं। फाइनेंस क्या था, एट लीस्ट 51% ऑफ द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज कंट्रीब्यूटेड बाय द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, सो सिंपल 51% या मोर देन 51% इज कंट्रीब्यूटेड बाय द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्टली स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्टली बाय स्टेट एंड पार्टली बाय सेंट्रल। अकाउंटिंग एंड ऑडिट प्रोसीजर, अब इसका प्रोसीजर कैसा है, इट इज फ्री फ्रॉम बजटरी अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल, इट इज फ्री फ्रॉम बजटरी अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल, अप्लाई टू डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में डिपार्टमेंटल ने किया था उसमें ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। हाउएवर एन एनुअल रिपोर्ट, यहां ध्यान से दीजिए, यहां से हाउएवर एन एनुअल रिपोर्ट इज टू बी प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर, सेम थिंग पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में, बाय द ऑडिटर, कौन करेगा सबमिट, ऑडिटर करेगा, और ये ऑडिटर कौन चुनेगा, गवर्नमेंट, तो अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, बस दैट्स सिंपल। तो एक बार देख लेते हैं, इनकॉर्पोरेशन, फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, इनकॉर्पोरेशन, सेपरेट लीगल एंटिटी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड ऑडिट प्रोसीजर, पांच हो गए, बहुत कुछ जानने हो गया ऐसे धीरे धीरे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब मेरिट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। सबसे पहला है इजी फॉर्मेशन, इट कैन बी एस्टैब्लिश्ड बाय फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट,
जो भी इंडियन कंपनीज एक्ट के रिक्वायरमेंट है, जो भी क्राइटेरिया है, जो भी रूल्स है, उस हिसाब से फॉलो करके ये स्टेब्लिश हो सकती है। वो बस इतना इट कैन बी स्टेब्लिश बाय फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट। अगर इंडियन कंपनीज एक्ट के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लिया गया, बस ये कंपनी स्टेब्लिश, गवर्नमेंट कंपनी स्टेब्लिश फॉर हो जाती है, स्टेब्लिश हो जाती है। बस एज सिंपल एज दैट। ऑपरेशनल ऑटोनॉमी, it enjoy autonomy in all management decision and take action according to business prudence. So it can enjoy autonomy because it's an autonomous body. Yes or no? So जैसे ही autonomy बन जाता है, ये management का decision खुद ले सकती है, छोटे-छोटे business के मतलब जो भी decision है ये खुद ही ले सकती है, government interfere नहीं करेगा इस पे। So ये बहुत बड़ा advantages है। It can take action according to business prudence. जैसे-जैसे business किस हिसाब से चल रहा है, market की क्या ये है condition है, तो उस हिसाब से ये अपना डिसीजन ले सकती है। फिर है आपका इंडिपेंडेंट स्टेटस। इट हैज सेपरेट लीगल एंटिटी। ये क्या है? एक सेपरेट लीगल एंटिटी है अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अलग है, ये बॉडी अलग है, गवर्नमेंट कंपनी अलग है, सेपरेट है दोनों। सो सेपरेट लीगल एंटिटी, इसका अपना अलग पहचान है। फिर नंबर फोर, प्रिवेंट अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिसेस। This company provides good quality product at reasonable price. It helps to control market and reduce unhealthy business practices. So, इसमें क्या होता है? ये basically क्यों बनाया गया है? Government company का main इरादा है to competition के लिए private companies से। So, क्या होता है? अगर this company provides good quality product, ये company government company good quality product provide करती है, so ये help करता है कि बाकी जो प्राइवेट कंपनी है, जो भी और कंपनियां हैं, वो अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिस ना करें, वो ज्यादा दाम में ना ले, क्योंकि अगर वो ज्यादा रेट में लेंगे तो सब लोग इसमें चले जाएंगे ना, तो उनको भी कंट्रोल करके रखता है ये। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जो ये है आपका मैरिज, क्या था? प्रिवेंट अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिसेस। दिस कंपनी प्रोवाइड गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस। रीजनेबल अच्छे दाम में गुड क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है, जिससे बाकी सारे जो और भी हटके जो कंपनियां हैं गवर्नमेंट कंपनी के अलावा, वो लोग ज्यादा प्राइस की मांग नहीं कर सकते, ज्यादा प्राइस नहीं ले सकते, नहीं तो फिर वापस ये लोग पे आ जाएंगे, लोग यहाँ से लेने लग जाएंगे, वो लोग को कोई पूछेगा ही। सो ये एक बहुत अच्छे तरीका से हेल्प करता है मार्केट को। इट हेल्प्स टू कंट्रोल मार्केट, मार्केट को कंट्रोल करके रखता है कि कोई मतलब अनफेयर प्राइस ना ले। ठीक है, तो ये थी मैरिज। मैरिज में क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं? इजी फॉर्मेशन, फॉर्मेशन तो आसान है, कंपनीज एक्ट का रूल्स एंड रेगुलेशन रिक्वायरमेंट फुलफिल करो, क्राइटेरिया फुलफिल करो, स्टेब्लिश हो जाएगी। ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमस बॉडी है ये, इट्स ए ऑटोनॉमस बॉडी, इट कैन टेक इट्स डिसीजन बाय देयर ओन एंड टेक एक्शन अकॉर्डिंग टू द बिजनेस। इंडिपेंडेंट स्टेटस से पार्टिकल एंटिटी हो जाती है ये। फिर प्रिवेंट अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिस, अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिस से भी ये कुछ हद तक बचाती है। अब आते हैं नेक्स्ट डीमेरिट्स की ओर, देखते हैं इसमें क्या है। फ्रीडम ओनली इन नेम। तो डीमेरिट्स क्या है? बुराइयां बनानी है तो बनानी ही पड़ती है, तो वो है, देखते हैं क्या है। फ्रीडम ओनली इन नेम, एज गवर्नमेंट इज द मेजोरिटी शेयरहोल्डर। कौन मेजोरिटी शेयरहोल्डर? कौन है? गवर्नमेंट है 51%, 51%, more than 51% शेयर पेड ऑफ कैपिटल किसका है? गवर्नमेंट का है। तो इट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर अफेयर ऑफ द बिजनेस। तो गवर्नमेंट यहाँ पे जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि इंडिपेंडेंट है, मैनेजमेंट का डिसीजन खुद ले सकता है, फिर यहाँ पे बता रहे हैं कि इट एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर अफेयर ऑफ द बिजनेस। सो यहाँ पे गवर्नमेंट अफेयर करेगी, गवर्नमेंट बीच में आएगी कुछ भी अगर डिसीजन लेना हुआ तो। Lack of accountability, accounts अच्छा से नहीं हो पाता है। As it is financed by the government, it should be accountable to government. इसको पार्लियामेंट में कोई जवाब देना नहीं है, तो अकाउंटिंग का सिस्टम थोड़ा गड़बड़ चलता रहता है। फिर आपका है defeat of main purpose. Being a major shareholder, the government control the whole management. Major shareholder किसका? Government. तो control कौन करेगा? ज्यादा government करेगी, सीधा बात है। It defeat the मेन पर्पज ऑफ रजिस्टरिंग इट अंडर कंपनी एक्ट। तो फिर कंपनी जब गवर्नमेंट मेजर शेयर होल्डर है ही, फिर गवर्नमेंट ही कंट्रोल कर रही है, सारा कुछ गवर्नमेंट ही कर रही है, तो फिर कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराने का क्या फायदा हुआ? कंपनीज एक्ट में स्टैब्लिशिंग कराने का क्या फायदा हुआ? तो
तो ये हो जाता है एक बहुत बड़ा डीमेरिट। जब गवर्नमेंट ही कर रही है तो फिर इसको पर्पस क्या है कि रजिस्टरिंग इट अंडर रजिस्टरिंग क्यों कराना है, बिकॉज़ कंपनीज एक्ट 2013 के तहत इसको नहीं कराना चलता, तो ये आपका क्या है डीमेरिट। सो आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा, एकदम इजी वे में लिखा हुआ है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिख सकते हो, मैं साइड में जाता हूं। सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, देखते रहिए कॉमर्स एकेडमी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ये मेरा खुद का चैनल है कॉमर्स एकेडमी, क्योंकि यहाँ कॉमर्स इजी है, तो कॉमर्स इजी वे में पढ़ रहे हैं हम लोग, तो बस ऐसे ही है। सो गाइस तब तक के लिए गुड बाय।